Hi everyone, a very good morning to all of you. I welcome you all to another session of RBI 247, wherein we discuss finance current affairs. Let's get started with today's video. आज वी आर अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट आरबीआई. हमने बहुत ज्यादा न्यूज डिस्कस कर ली है अबाउट फाइनेंस करंट अफेयर्स. इन लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट सेबी एंड द सर्कुलर्स दैट आर ब्रॉट आउट बाय सेबी. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, गो थ्रू देम अगेन इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड टुडे अगेन अब दोबारा वापस आ जाते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स पे, विच इज आरबीआई, राइट. सो आरबीआई हैज ईदर पार्टिसिपेटेड इन वेरियस इनिशिएटिव्स और हैव लॉन्च्ड सर्टेन इनिशिएटिव्स. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तो सबसे पहले वी आर गिविंग आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम, एंड सेकेंडली दीज आर कवर्ड ऑन दी आरबीआई वेबसाइट, एंड थर्डली आरबीआई इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन दीज, राइट. सो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट स्टार मार्क देयर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज अबाउट 100 days 100 pays कैंपेन. नाम से ऐसा लग रहा है इट इज रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट और समथिंग रिलेटेड टू पेमेंट, बट इट इज नॉट सो. डिटेल में एक बार समझेंगे व्हाट इज दिस. द सेकंड वन इज अबाउट लीविंग ऑफ चार्जेस टुवर्ड्स फॉरेन प्रीपेड फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड्स एंड ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट लॉन्च्ड बाय GFIN. आरबीआई हैज पार्टिसिपेटेड, अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस. ठीक है, द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट 100 days 100 pays कैंपेन. नाम से पता लग रहा है अ कैंपेन इज गोइंग टू टेक प्लेस फॉर 100 days. And it is related to 100 pays. But what are these pays? You know, we have already discussed about the concept of DEAF, Deposit Education Awareness Fund. एक सेबी का भी ऐसा है फंड है, which is Investor Education Protection Fund. ठीक है, which is working under SEBI, wherein it works towards awareness of investors. MCA के अंडर भी एक ऐसा ही awareness fund बना हुआ है, Investor Education Protection Fund. Which is working under MCA. One is working under SEBI. This one is working under RBI. Deposit Education and Awareness Fund. यहाँ बात हो रही है deposit की. So if there any savings account or current account deposit in any bank which is not been utilized in the last 10 years. Last 10 years mein there has not been any activity related to that deposit account. या सेविंग्स अकाउंट है या कोई करंट अकाउंट है या कोई और डिपॉजिट अकाउंट है विद एनी बैंक. देयर इज नो एक्टिविटी दैट इज टेकिंग प्लेस. किसी ने उसका पैसा क्लेम नहीं करा है एंड इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. द अमाउंट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. सो फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना अकाउंट खुलवाया था एंड 10 years तक मैंने उसको यूज नहीं करा. लेट्स से आई फॉरगॉट अबाउट द डिटेल्स ऑफ द बैंक्स, या मैंने कहीं बाहर शिफ्ट कर लिया, या आई हैव शिफ्टेड समवेयर अराउंड इंडिया एंड आई फॉरगॉट that I had a bank account, या मैंने मेरे न्यू एम्प्लॉयर ने कोई और अकाउंट खोल दिया, तो जो पुराना बहुत पहले अकाउंट खुला होगा आई मस्ट नॉट हैव यूज्ड इट फॉर 10 years. तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं वेयर यू नो डिपॉजिटर्स आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर अकाउंट्स और नॉट यूजिंग और नॉट एनी एक्टिविटी इज नॉट टेकिंग प्लेस इन दैट अकाउंट. सो उन अकाउंट को कहते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स वेयर नो एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस फॉर द पास्ट 10 years. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी का जो फंड है दैट इज फॉर पास्ट 7 years. सो फॉर पास्ट 7 years इफ देयर इज एनी अनक्लेम्ड डिविडेंड दैट यू नो गोज इनटू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. यहां पे 10 years का टाइम है. सो बैलेंस इज इन द सेविंग्स और करंट अकाउंट दैट इज डिपॉजिट्स इन द अकाउंट्स विद द बैंक्स विच आर नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 years. और दिस ऑल्सो इंक्लूड्स टर्म डिपॉजिट्स, मतलब FD अगर किसी ने कराई हुई है एंड नॉट क्लेम्ड विद इन 10 years. तो सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट 10 years तक यूज नहीं हुए, टर्म डिपॉजिट FD आपने कराई हुई है 10 ईयर के बाद उसको अनक्लेम्ड उसको क्लेम नहीं करा, इट इज अनक्लेम्ड, देन इट विल बी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स. उनको हम कहते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स. नाउ बैंक्स हैव टू गिव दिस अमाउंट टू अ फंड. दे कैनॉट कीप इट विद देमसेल्व्स आफ्टर 10 years. 10 साल तक वेट करेंगे कि कोई आके अपना डिपॉजिट ले जाए. फॉर एग्जाम्पल यू नो FD है तो क्लेम कर ले अपनी FD, बट इफ इट इज नॉट हैपनिंग फॉर 10 years देन दे हैव टू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू DEAF, डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड. डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड जो कि RBI मेंटेन करता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस. आज थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको. नाउ सो द RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हाट RBI इज डूइंग, RBI वॉन्ट्स कि यू नो RBI इज making sure that through various awareness events these unclaimed deposits are actually or should be claimed by the eligible
डिपॉजिटर, ठीक है. तो जो भी डिपॉजिटर है हु हैव द संकेम डिपॉजिट अकाउंट और एनी सेविंग्स और करंट अकाउंट इन अ बैंक एंड दे आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, अवेयरनेस इनिशिएटिव्स ऑफ आरबीआई, जो इस फंड का पर्पस है, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, द आरबीआई वॉन्ट्स की इट वॉन्ट्स टू मेक अवेयर द जनरल पब्लिक और डिपॉजिटर्स हु हैव देयर अकाउंट सो दैट दे कम अप एंड दे टेक बैक देयर मनी, राइट. तो क्लेम कर ले अपना जो भी अमाउंट है, राइट. सो विथ थ्रू इट्स वेरियस पब्लिक इनिशिएटिव्स आरबीआई हैज बीन एनकरेजिंग द आरबीआई हैज बीन एनकरेजिंग द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू आइडेंटिफाई एंड अप्रोच द बैंक एंड क्लेम दीज अनक्लेम्ड अकाउंट्स, ठीक है. सिमिलरली अगर आपको याद हो आफ्टर द यू नो मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आती है, द लास्ट स्टेटमेंट ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट अ सेंट्रल पोर्टल, अ सेंट्रल वेब पोर्टल. RBI अनाउंस्ड कि एक सेंट्रल वेब पोर्टल बनेगा जिसमें बैंक्स विल शेयर देयर इंफॉर्मेशन ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट और अनक्लेम्ड अकाउंट्स व्हिच बैंक्स हैव विद देमसेल्व्स. तो अब होता क्या है, हर एक बैंक को एक DEAF कोड मिलता है. दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक, जैसे हर एक बैंक का एक अपना IFSC कोड होता है, वैसे ही हर एक बैंक को एक DEAF कोड मिलेगा एंड दे हैव टू सबमिट और गिव देयर अमाउंट टू F, this DEAF to this fund. तो इस फंड में जो unclaimed deposit का amount है, they will submit it all these banks. अब ये दो तरीके से होता है, अपना code mention करके अपने fund में as your account. For example, if I am SBI and let's suppose I have 100 such unclaimed deposits, 100 accounts है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है एंड दिस 100 इज लेट्स सपोज 100 करोड़ का टोटल अमाउंट बनता है, तो आई विल डिपॉजिट under SBI account in this fund, ठीक है, मैं fund में transfer कर दूंगी. Now this can happen in two ways. One is it through own account. So every bank through their own account will deposit this unclaimed deposit or you know amount money, the balance that is there in the account in this fund. अपने account में अपना code डाल के, अपना DEF code डाल के उस fund में पैसा डाल देंगे. Let's suppose I am SBI, State Bank of India. I have unclaimed deposits of 100 crore. This 100 crore I will deposit in the DEAF after 10 years, after waiting for 10 years. किसी भी amount को जैसे ही 10 साल हो गए, I will deposit it in the DEAF. 2014 में ये आई थी and 2014 तक जितने till 2014, whatever the balances, you know, the balances that are there in the savings or current account or the unclaimed deposits were decided to be transferred to DEAF up till 2014 और उसके बाद automatically जो 10 years वाले accounts हैं वो यहाँ पे चले जाएंगे. Every bank will do this in their own account. Secondly कैसे होता है, member account के through. So let's suppose if there is any bank who does not have a deposit, a current account with RBI, जिसके RBI के पास कोई अपना current account किसी bank ने नहीं खोला हुआ, they can ask any other bank to transfer this money in the fund. राइट, लेट सपोज जुपिटर अकाउंट है, दिस इज अ न्यू बैंक, ठीक है. अब इनके जो अकाउंट मेंटेन है वो फेड बैंक में मेंटेन्ड है, फेडरल बैंक में, राइट. सो दिस इज अ न्यू बैंक या एक ओपन बैंक स्ट्रक्चर है, आई हैव डिपॉजिटेड सर्टन मनी इन दिस जुपिटर अकाउंट, जुपिटर बैंक में अपना अकाउंट खुलवा के आई हैव यू नो डिपॉजिटेड सम मनी फॉर 10 years. आई एम नॉट यूटिलाइजिंग दिस अकाउंट, अपना मैं छेड़ नहीं रही, आई एम नो एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस फॉर 10 years. Now this Jupiter Bank will ask Federal Bank, since we don't have an account, current account with the RBI, can you transfer on our behalf in this DEAF? And ho sakta hai Federal Bank is already doing that for two other banks. Let's say XYZ Bank ke liye bhi ye kaam kar raha hai, ABC Bank ke liye bhi ye, ABC Bank ke jo unclaimed deposits hai, they are also transferring to this fund. XYZ ka bhi, Jupiter account, Jupiter Bank ke jo accounts hai unka, right? So let's suppose they are doing this. They cannot do this. So पहले तो ये possible है. Member account के through this is possible. तो या तो own account के through you deposit the fund or member account के through. So Jupiter Bank का Jupiter Bank के जो unclaimed deposits amount है, they will be transferred in this fund through member account by the Federal Bank. And if Federal Bank is doing that for other banks as well, if it is doing this for others bank as well, it cannot compile or consolidate the amount. सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे इस फंड में. तो ये फंड जो है इसमें जुपिटर अकाउंट का इतना पैसा जाएगा, लेट्स से 20 करोड़ एंड लेट्स से एबीसी बैंक का 250 करोड़
and XYZ ka, let's say 50 crore, right? So this will go separately and will not be consolidated by the Federal Bank, right? Okay, so अब ये पूरा DEAF का कॉन्सेप्ट है. यस, एक बार DEAF का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सो द बैंक शैल रेमिट अमाउंट्स ड्यू, बैंक शैल रेमिट द अमाउंट्स ड्यू एज डिफाइंड इन द स्कीम, जो कि स्कीम में डिफाइंड है, 2014 में आई थी, इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ये कैसे होगा? इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू ई कुबेर सिस्टम. आई होप सबको पता है व्हाट इज ई कुबेर सिस्टम. ई कुबेर विच इज द कोर बैंकिंग सोल्यूशन, core banking solution, जिसके through 24/7 financial services are provided to banks. They can utilize their current account that is maintained with the RBI anywhere in India through this e-Kuber platform. अब e-Kuber platform के through और भी services होती हैं. Centralized payment system भी e-Kuber platform के अंदर आ जाता है, जिसमें NEFT, RTGS transactions होती हैं. Apart from that, auction of government securities also is taken place on the e-Kuber platform or CBS platform. इसके अलावा other financial services, 24/7 other financial services are provided to banks from anywhere across the country through e-Kuber system, right? किसी ने अपना accounts maintain करा हुआ है with the RBI current account maintain करा हुआ है, they can utilize that or use that through the e-Kuber system, right? So, e-Kuber system ke through, they will, you know, give the fund to, give their amount in the fund. This is done either through own account. Padh lete hain, this facility is available under the service DEF service. Jo ye is service ka naam hai, DEF service of the e-Kuber portal. E-Kuber portal pe ek DEF service karke head hoga. Us pe jaake, you have to, banks have to give their bank DEF code. Jaise abhi agar aapko transfer karna hota hai, you give your IFSC code of the bank. Similarly, banks have their bank DEAF code and उसमें डिटेल का ब्रेकअप भी देना है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है. सो लेट्स से एफडी कराई है किसी ने एंड कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का है, कुछ अमाउंट उस पर इंटरेस्ट मिला है, राइट? सो अब जो ब्रेकअप है, इंटरेस्ट बेयरिंग, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, जो भी डिपॉजिट्स हैं, जितने भी डिपॉजिट्स हैं, उनका ब्रेकअप भी DEAF कोड के थ्रू यू हैव टू गिव. यूजिंग द e-Kuber प्लेटफॉर्म, यू हैव टू ट्रांसफर दैट अमाउंट इन द फंड. एंड द सेकेंड इज थ्रू मेंबर्स अकाउंट. So in case a bank is remitting amounts due of a member bank or any other bank. So if a bank is remitting amount due of any other bank, a member bank or a bank which does not have current account with the RBI, so they can approach to the bank for remitting such amounts to the fund. Now this cannot be done consolidatedly. This is not done consolidatedly. Separately remit करेंगे amount को in the fund. I hope इतना समझ आ गया होगा. ये DEAF का concept है, deposit education and awareness fund. Important concept है, अच्छे से पढ़िए. Now what is happening? What is the news? Already हमने पढ़ा कि जो last time monetary policy statement आई थी, उसके बाद जो statement of development policies आई थी, in that RBI announced कि एक centralized web portal बनेगा, right? Centralized web portal जहाँ पे पता लग जाएगा किस bank के कितने deposits हैं, और या मेरा है अगर कोई डिपॉजिट तो किस बैंक में है. थ्रू दिस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल आई कैन कम टू नो. नाउ व्हाट आरबीआई इज डूइंग नाउ इज आरबीआई हैज लॉन्च्ड और अनाउंस्ड दिस 100 डे 100 पेज कैंपेन. दिस इज नॉट रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट सर्विस, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू यू नो गिविंग बैक द अमाउंट ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, राइट? सो 100 डे 100 पेज कैंपेन है. तो बैंक्स को अपने टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को सेटल करना है. आरबीआई अनाउंस 100 डेज 100 पेज कैंपेन फॉर बैंक्स टू ट्रेस एंड सेटल देयर टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ऑफ एवरी बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री विद इन 100 डेज. 100 डेज के अंदर अंदर टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हर बैंक को हर डिस्ट्रिक्ट में सेटल करने हैं, ठीक है? विद इन 100 डेज एवरी बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज टू ट्रेस settle the top 100 unclaimed deposits, right? Ab RBI, like I said, is already doing a lot of steps, initiatives towards this settlement of unclaimed deposits and to provide awareness to the depositors. And this concept, this campaign will complement the already taken up initiatives by the RBI. Ab ye kahan kab se start hoga? This is also important. This date can be asked in your exams. June 1, 2023 se ye start hoga. This 100 day campaign. Okay, DEAF pura samajh liya humne.
This was about the news of DEAF, right? 100 days, 100 pays. Let's talk about the second news. This is about levy of charges of Forex prepaid cards. Forex prepaid cards. Okay. So, ab hota kya hai? If I am going abroad, there are three methods using which I can take money abroad, right? The first one is, ya to main currency yahi se hi convert kara ke le jaun. The first one is foreign currency. Let's suppose I want to get US dollar. Main yahi se hi currency cash mein yahan se convert kara ke le jaun. This is one option. Second option that I have is to get international debit card. Let's suppose I have a debit card which is working internationally as well. I have a debit card which is working internationally as well. So if I go somewhere, if I am visiting abroad, going overseas, and वहाँ पे मेरे को कोई payment करनी है using my international debit card, I can do that in that foreign currency. अब इसमें कुछ fee और charge भी लगता है, right? Let's suppose एक transaction के per transaction के 60 rupees का charge है, या अगर you know there is हर bank का अलग-अलग charge होता है which they levy for you know transferring the money or exchanging the money or using this international debit card in a foreign country. तो अगर आप ये international debit card एक foreign country में use कर रहे हैं and you are utilizing it through ATM, क्योंकि debit card है, तो ATM के through भी आप पैसा निकाल सकते हैं और you can make payment, merchant payment भी कर सकते हैं इसमें, right? So, अब let's say, अगर आप $1 convert करते हैं into 81 rupees, right? This will have a charge of, let's say, 20 rupees more. तो आपको 100 rupees देने पड़ेंगे. आपके account से 100 rupees काटो जाएंगे and you will get $1, right? So, a fee or a charge is levied when you are making transaction through your international debit card. ठीक है, ये दो चीजें समझ ली. The third is a forex card या फिर smart card या फिर prepaid card या loading card. जैसे हमारे wallets होते हैं, prepaid payment instrument या wallets होते हैं, वैसे ही these cards are used, right? So यहाँ से ही when I'm going abroad, I will get a card and I will deposit certain money in the current currency that I'm holding. Let's say INR में कुछ पैसे यहाँ पे जमा करा दिए. And so this is a loading facility, a loading card or a prepaid card or a forex card. How a forex card? Because now I can use this card outside. तो बाहर भी कुछ point of sale machines पे, not all, कुछ point of sales you know serve machines पे, POS machines पे this card will be eligible for using, right? So I can utilize this forex card or this prepaid card. Ab isme farak kya hai? I will preload the amount. Pehle se hi I will, you know, preload this card like a wallet. Ab apne wallet mein paisa dalte hain and aap utilize karte jate hain. Smart card bhi bolte hain inko. So let's suppose metro ka card hai aapke paas, right? Pehle hi aapne 500 ka recharge kara diya and you keep utilizing it. Ab isme bhi service fee ya levy charge hota hai. Service fee is charged when you are using this forex card abroad. ठीक है, let's suppose $1 की अगर आपने utilize करा है तो 10 रुपए आपके कट गए, right? So something like that, a service free is levied on this card, right? तीन तरीके से होता है, currency, international debit card, service card. अब news में ये क्यों है, why is it in news? So जो भी authorized person which are levying this fee or charge which are payable in India on any such instrument, अब इन instrument को बोलते हैं foreign currency. Right? ये instruments जो हैं, they are used in foreign currencies, right? Or any such instruments in foreign currencies, RBI ने कहा है कि जो levy है, वो dollar में नहीं होगा या किसी और currency में नहीं होगा, it will be denominated in INR, in Indian rupees, right? So let's suppose if I am, you know, using an international debit card, making payment, तो जो मेरे को service charge या service fee जो apply होगी, this fee that I have to pay, I will be paying in rupee. So let's say $1 अगर मैं convert करा रही हूँ और I am using it internationally on through that debit card, then the service fee will be in let's say rupee 10 or rupee 20, 30, 100 जो भी है, right? So when I am using this, the service fee will be denominated in rupee and not in dollar. Okay, ऐसा नहीं है कि $0.5 की आप मेरे को service charge लगा देंगे, that will be denominated in rupee, right? Okay. Okay, so this is everything about how it is doing. It is taking place international debit card ke through, and also the second one is about store value cards, charge cards, smart cards. Store value cards, charge cards, smart cards. Authorized banks, certain authorized banks
आर डूइंग दिस, आरबीआई ने परमिट कर दिया. अब इसके लिए आरबीआई की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती. सो इफ आई गो टू अ बैंक एंड आई आस्क देम फॉर अ फॉरेक्स कार्ड या स्मार्ट कार्ड, इफ आई आस्क देम, दे कैन डू दैट विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई. दे कैन गिव मी द कार्ड एंड दे विल ऑल्सो लेट मी नो वॉट आर द चार्जेस दैट विल बी एप्लीकेबल अगर मैं ऑलरेडी यू नो एज अ वॉलेट या प्रीपेड कार्ड यूज कर रही हूँ. Then there is international debit card. Just like in India we have cards, वैसे ही international debit cards भी banks issue करते हैं. In case you go out, आप वो international debit card use कर सकते हैं. This will be used by a resident who is visiting abroad for drawing cash. ATM से आप पैसा निकलवा सकते हो जैसे आप debit card में करते हो, और making payment to a merchant establishment overseas. बाहर जाके let's suppose मैंने burger खाया, right? So using international debit card I can make payment because it is a debit card. अब only कुछ permissible current account transactions हैं जो कि FEMA Act में mention है, जो कि RBI ने भी अपने lecture में mention करी है कि कौन सी current account transactions के लिए आप इनको utilize कर सकते हो. You cannot utilize it for any illegal activity, ऐसी सब चीजें mention है. We are not going in detail. So अब news में क्यों है? Because any fee that is charged will be denominated in Indian rupee, not in dollar or any foreign currency. अब ये होता कैसे है? तीन मेथड से वो हमने समझ लिए. This is the third and very 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 important news. RBI is participating. RBI is going to take part in the green washing tech sprint. यहाँ पे लिखा ही हुआ है. Green washing tech sprint. हमने already last week we studied about G20 tech sprint. G20 tech sprint. जहां पे दिस इज वर्किंग टूवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट, यू नो मिनिमाइजेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, राइट. सो उसके लिए तीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी मेंशन्ड इन द G20 टेक स्प्रिंट. आरबीआई लॉन्च दिस G20 टेक स्प्रिंट. ओके, नाउ दिस टाइम देर इज ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट, राइट, विच इज टेकिंग प्लेस अंडर GFIN, ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क. ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क. दिस is, you know, 80 financial, international financial organizations का part है, together are part of this GFIN. So, Global Financial Innovation Network में there are 80 international organizations working, which are committed towards financial innovation. They are working towards financial innovation, right? Okay. उसके अलावा they provide awareness, interest of consumers, supporting financial innovation in the interest of consumers. Currently chaired by FCA, this Financial Conduct Authority chairs this GFIN. This is working in UK, presently working in UA, a regulatory body working in United Kingdom, right? This is overseeing the financial services that are taking place in US. Okay. So, अब इस tech sprint में क्या होगा? हमने last time भी पढ़ा था tech sprint होता क्या है. So, tech sprint actually works like a competition जहां पे सबको इनविटेशन दिया जाता है. इनविटेशन इज गिवन टू डेवलपर्स इधर इन इंडिया और अब्रॉड इज वेल. सो इनविटेशंस आर गिवन टू डेवलपर्स एंड दे विल बी गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी. इन दिस केस दिस इज अबाउट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टुवर्ड्स ग्रीन वॉशिंग. पहली बात तो ग्रीन वॉशिंग हमने बहुत बार पढ़ा है. ग्रीन वॉशिंग बहुत बार हमने ग्रीन वॉशिंग पढ़ लिया है एंड आई एम 100% श्योर इसका कोई क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये बहुत बार न्यूज़पेपर में होता है. एवरी सेकेंड वीक दिस ग्रीन वॉशिंग टर्म इज इन द न्यूज़पेपर, राइट. कभी सेबी कुछ लेके आ रहा है कोई फ्रेमवर्क, कभी आरबीआई या नाउ दिस टेक स्प्रिंट. ओके, अब ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ओके, सो ESG फ्रेमवर्क के अंडर ESG फ्रेमवर्क के अंडर अ लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्चुअली अक्वायरिंग मनी और यू नो इशूइंग बॉन्ड्स अंडर दिस ESG फ्रेमवर्क या पैसा उठा रहे. सो दिस इज ग्रीन फाइनेंसिंग. बैंक्स भी ग्रीन फाइनेंसिंग यूज कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑल्सो रेजिंग ग्रीन बॉन्ड्स, राइट, विच विल वर्क टूवर्ड्स दिस ESG ग्रीन बॉन्ड्स. अब सेबी एक ESG फ्रेमवर्क लेके आया था वेरिन सेबी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वेन अ कंपनी इज इशूइंग ग्रीन बॉन्ड्स, राइट. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की बात हुई थी अंडर दिस ESG फ्रेमवर्क. बहुत इंपॉर्टेंट है वो. Now talking about green bonds or green financing, a lot of companies are raising money which they say that they will be utilized towards, you know, environment, sustainable development of the environment. Isko hum sustainable financing bhi bolte hain, right? So it will be working towards environment, it will be working towards infrastructure which is, you know, sustainable infrastructure, ya solar sector mein, marine sector mein, somewhere related to the environment isko hum use karenge, right? But
what happens is a lot of times false claims are given by the company. So let's say if I am a company and if I am saying ki main 100 पेड़ लगाऊंगी उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, right? और कोई मैं अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी लेके आती हूँ एंड आई से कि मैं सोलर पैनल्स लगाऊंगी बट आई एम नॉट यूजिंग दैट फॉर वट एवर आई एम सेइंग, या लेट्स से मैंने बोला कि मैं 100 पेड़ लगाऊंगी इफ आई एम गोइंग टू यू नो ग्रो 100 ट्रीज बट आई एम एक्चुअली ग्रोइंग लेट्स से 20 और 30 ट्रीज, राइट? सो दिस इज काइंड ऑफ अ यू नो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या फिर मिस स्टेटमेंट या मैनिपुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, राइट? सो दिस इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग. जब हम पैसा उठा रहे हैं, वेन वी आर फाइनेंसिंग, वेन वी आर यूटिलाइजिंग मनी और टेकिंग मनी from outsiders, but we are not using it for the purpose that we said we are going to use it for. इसको हम कहते हैं green washing. Money laundering में भी हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था. Washing जो होता है वो इसीलिए use होता है when we are not utilizing the money when it is said to be used for a certain thing. Okay, so exaggerated, misleading, unsubstantial claims about ESG credential damages the confidence in the product. और अब आरबीआई भी इसके टूवर्ड्स कुछ काम करना चाहता है. अंडर दिस टेक्स प्रिंट आरबीआई इज गोइंग टू इनवाइट डेवलपर्स दैट विल वर्क टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टूवर्ड्स ग्रीन वॉशिंग, राइट? सो आरबीआई वांट्स टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स एंड फर्म्स कैन ट्रस्ट देयर प्रोडक्ट्स दे हैव. इफ यू आर समबडी हु इज एन इन्वेस्टर, इफ यू आर एन इन्वेस्टर एंड यू आर गिविंग मनी टू अ कंपनी व्हिच सेज दैट दे आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स द एनवायरमेंट, हाउ विल यू ट्रस्ट दैट कंपनी जब डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, राइट? व्हेन दिस कंपनी और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर. नाउ आरबीआई इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट. देयरफॉर अब आरबीआई इस पे कैसे पार्टिसिपेट करेगा? दे विल पार्टिसिपेट थ्रू अ वर्चुअल टेक्स प्रिंट, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू अंडर दिस एफसीए का डिजिटल सैंडबॉक्स. दिस विल बी होस्टेड बाय एफसीए, जो भी हमने पढ़ा है FCA's digital sandbox. So RBI virtually isme participate karega, wherein it will invite developers to work towards a greenwashing or to provide solution how to effectively tackle the risks of greenwashing, how to effectively tackle the risk of greenwashing in financial services. Theek hai, to RBI ne India based firms ko invite kara hai to work towards the solution of this problem statement, जो कि इस बार है green washing की, कि what are the risks associated with green washing, which is actually kind of a money laundering concept only, ठीक है? Applications अभी open हो चुके हैं, they will close on 21st May, June में ये text print launch होगा, and अब इसमें benefit क्या होगा? All the developers who are participating, जो Indian based firms RBI ने invite करे हैं, whoever are participating, they will have an opportunity to work under various experts, right? So that is the main benefit that they will get. So opportunity to work under various regulatory experts, बहुत सारे platform पे उनको आने का मौका मिलता है through these, and also the GFIN will provide a lot of support to these developers. Okay. So, अब जो भी applications देने में successful होगा, onboarding उनकी होगी. Once you've given the application, you will be onboarded, you will be working on the problem statement, and you will provide develop solutions, right? और आपको training भी provide करी जाएगी on the digital sandbox platform only. You will be provided with the training, and along with that, overview लिया जाएगा पूरा the text print process का, ठीक है? 5th June को launch होगा, and 3 months तक चलेगा, एंड इन सितंबर 2023. डेट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज यू हैव टू रिमेम्बर देम. यस, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे. ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू देम वंस अगेन इफ यू हैव टू. अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रैश कोर्स दैट वी हैव लॉन्च्ड स्पेशली फॉर आवर अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. यू कैन गो थ्रू दिस इफ यू वॉन्ट टू क्लियर द आरबीआई एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट. लेट्स कम टू क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसी द डीईएफ? बहुत ईजी है, प्लीज आंसर दिस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. Recently, RBI launched 100 days, 100 pays campaign. With which of the following is the campaign related to? Again, बहुत ज़्यादा easy है. But exam में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, ये difficult लगेगा क्योंकि options काफी difficult लग सकते हैं. Which of the following set statements is are true about CBS core banking solution e-Kuber system? e-Kuber is the core banking solution of RBI, which was introduced in 2012. Correct. All commercial banks, including RRBs, are brought into the core banking fold. This is also correct. Non-bank payment system providers cannot participate in centralized payment system. The centralized payment system actually working under the e-Kuber system as direct members. This is actually an
रॉन्ग स्टेटमेंट इन 2021 आई थिंक इनको भी पार्टिसिपेट करने को अलाउ कर दिया था राइट. सो नॉन बैंकिंग पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स कैन बी पार्टिसिपेंट ऑफ द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम स्पेशली वर्किंग टूवर्ड्स आरटीजीएस एंड एनईएफटी राइट. अब ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो व्हाई विल दे नॉट बी अलाउड when we are talking about RTGS and NEFT. जब आप payment कर रहे हो, you are utilizing these mechanisms, RTGS and NEFT. अब question सिर्फ इस पे आता है कि non-bank payment service provider को RBI ने approval दिया है या नहीं. So they have been given approval to be participants of the centralized payment system which is working towards RTGS and NEFT and as direct members they have been given approval. So the third statement here is incorrect. RBI will be among the 13 international regulators taking part in the global GFIN's first ever fill in the blank. बहुत easy है, अभी हमने discuss करा है, right? तो आज के question थोड़े easy थे, but if you haven't, you know, studied about these concepts, you won't be able to answer this in your exam, right? So that brings us to the end of the session. I hope you liked it. All the very best for your upcoming RBI Grade B exam. Thank you.